हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। बस गुड इवनिंग सर। जी कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यार नमस्कार, कैसे हो आप लोग? अच्छा सर। प्रैक्टिस कर रहे हो ना आप लोग? क्या सर? हेलो, वैष्णवी भी आपने क्वेश्चन पूछा था क्या सर? जी। वैष्णवी ने एक क्वेश्चन भेजा था, ठीक है? वो शायद जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, समझे? तो उसमें ये था ना कि एक इंक्लाइन प्लेन है, कि मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है? तो इंक्लाइन प्लेन का क्या है ना कि हाफ सरफेस स्मूथ है और हाफ सरफेस क्या है, रफ है, ठीक है? और उसमें क्वेश्चन ये था कि इंक्लाइन प्लेन से एक ब्लॉक को स्लाइड किया जा रहा है, ठीक है? इंक्लाइन प्लेन से एक ब्लॉक को स्लाइड किया जा रहा है, ठीक है? और हो क्या रहा है कि इंक्लाइन प्लेन स्टार्ट से जो ब्लॉक है वो स्लाइड रेस्ट से कर रहा है, और जब नीचे आ जा रहा है तब फिर रेस्ट में आ जा रहा है, ठीक है? यानी जब वो स्टार्ट हुआ था तब भी वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, और जब वो फाइनली जब इंक्लाइन प्लेन के नीचे आ गया तब फिर वो रेस्ट में आ गया, है ना? तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा था कि जो उसका म्यू था, ठीक है, वो जो लास्ट जो रफ का पोर्शन था ना उसका म्यू दिया हुआ था, ठीक है? और वही म्यू का वैल्यू कैलकुलेट करना था, ठीक है? तो देखो, मैं इसको अगर सॉल्व करूँ ना, एक मिनट, मैं इसको पहले सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद अपने टॉपिक पे आएंगे, ठीक है? सभी लोग समझना। क्वेश्चन ये था कि एक इंक्लाइन प्लेन था, क्वेश्चन ये था, क्या हुआ? एक इंक्लाइन प्लेन था, मान लो ये ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है? ऐसा ले लो, ठीक है? ये कुछ थीटा एंगल पे है, ठीक है? थीटा का वैल्यू शायद दिया हुआ था वहां पे, और ये हाफ सरफेस जो है ना, ये हाफ, ये रफ है, और ऊपर वाला जो हाफ है वो स्मूथ है, ठीक
ठीक है, और एक ब्लॉक को यहां से रिलीज किया जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि ये ब्लॉक स्लाइड करेगा और यहाँ पे जब आया तो वो फिर रुक गया, ठीक है, भी फिर 0 हो गया, रिलीज किया गया तो यू इक्वल टू 0 से रिलीज होगा, ठीक है। तो देखो होगा क्या, सबसे पहले अगर तुम देखो ब्लॉक जब हाफ सरफेस तक हम बात करें तो इधर इसका mg साइन थीटा लगेगा, ठीक है, mg साइन थीटा, ठीक है, तो यहां से यहां तक सिर्फ mg साइन थीटा लगेगा, ठीक है, नीचे भी mg साइन थीटा लगेगा लेकिन नीचे पे एक फ्रिक्शन भी आ जाएगी, तो हम सिर्फ, तो देखो यहां से फिर क्या होगा, फ्रिक्शन लगना शुरू होगा, ठीक है, और ये फ्रिक्शन का वैल्यू होगा वो होगा म्यू mg cos थीटा, है कि नहीं, ये क्लियर है सभी को, बोलो, फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू mg cos थीटा ही होगा ना जी। क्या होगा फ्रिक्शन जो होता है ना इस पे जो नॉर्मल लगेगा ना ब्लॉक पे, ये तो मैंने कितने बार करवाया यार, ये नॉर्मल, ठीक है, और इधर जो इधर mg का साइन थीटा आएगा कंपोनेंट, और इधर कॉस थीटा आएगा mg कॉस थीटा, तो यहाँ से नॉर्मल जो हो जाएगा इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है तो नॉर्मल mg कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगी, और जो फ्रिक्शन होती है वो म्यू इंटू नॉर्मल होती है, तो फ्रिक्शन म्यू एम जी करता कॉस थीटा है ना। तो देखो फ्रिक्शन है, अगर इस पूरे लेंथ को हम एल ले ले, ठीक है, इंक्लाइंड के इस पूरे लेंथ को एल ले ले, ठीक है, तो देखो एम जी साइन थीटा तो यहाँ तक लग रहा है ना, पूरा मोशन के टाइम एम जी साइन थीटा लगा, और फ्रिक्शन हाफ लेंथ के पे लगा, ठीक है, तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया, वर्क डन बाई ऑल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, फाइनल भी 0 है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 ही होगा, और यहाँ से देखो जो वर्क एम जी साइन थीटा करेगा, एम जी साइन थीटा, ठीक है, फोर्स एम जी साइन थीटा, और डिस्टेंस चला ये एल, ठीक है, जो इंक्लाइन प्लेन का ये लेंथ मान लेते हैं एल, और जो फ्रिक्शन वर्क करेगा, देखो फ्रिक्शन का वर्क यहाँ से काउंट होगा क्योंकि इसके नीचे ही फ्रिक्शन है, गुड इवनिंग और सर। उस फ्रिक्शन, गुड इवनिंग, इस फ्रिक्शन का जो वर्क होगा वो होगा फ्रिक्शन फोर्स इंटू लेंथ, तो फ्रिक्शन फोर्स है म्यू एम जी कॉस थीटा, और इसका जो लेंथ हो जाएगा एल वाई टू हो जाएगा, हाफ लेंथ है तो, और ये डेल्टा काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल 0 होगा क्योंकि इनिशियल और फाइनल दोनों काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो 0 माइनस 0 है ना, तो अरे यहाँ क्या से ये बता रहे इक्वल हो टू ये हो, बिल्कुल सर। यार एक क्वेश्चन था, ठीक है, ओके, ये सर यहाँ पे जो क्वेश्चन ये इंक्लाइंड प्लेन था वो यार रफ वैष्णवी ने पूछा था। हाँ ये देखो ये इस इंक्लाइन ना हाफ सरफेस स्मूथ है और हाफ सरफेस रफ है, ठीक है, है सर, इसमें स्मूथ तो का चाहिए यहां फिर। से, तो देखो एम जी साइन थीटा तो नीचे तक लगेगा ना, तो हम यहां से लिख सकते हैं ये फोर्स इज इक्वल टू ये फोर्स, ठीक है, यहां से देखो एम जी से एम जी कैंसिल हो गया और एल से एल कैंसिल हो गया, तो यहां से म्यू इंटू कॉस थीटा, ठीक है, म्यू इंटू कॉस थीटा का वैल्यू जो आ जाएगा 2 gb कैंसिल है, 2 into sin थीटा, ठीक है, तो यहाँ से म्यू का वैल्यू आ गया 2 sin/cos tan थीटा, हाँ वैष्णवी, सर एक बार ना कंफर्म कर लो, नए नए बच्चे आज तो बहुत अच्छा सारे आज वो नेगो क्या है, तो या तो फ्रॉड है या तो नए ये आते करके हैं एक बार फ्लेवर। कंफर्म कर लो। अंशिका आपने किया है क्या इन लोगों को? यस सर, सर न्यू स्टूडेंट अभी ज्वाइन हो रहे हैं ना इसलिए। सर पूछ न्यू लो, फिर स्टूडेंट अभी पूछ लो इनरोल सर। सर माइक खोल के पूछवा लो, नहीं खोले तो रिमूव कर दो। अभिषेक, आलोक, आलोक नया है क्या? यस सर, मैं पहले तो पहले से ही हूँ। पहले से आते थे अंशिका, हाँ सर ये आलोक पहले से हूँ। आयुष भी तो आता था, धनंजय, गांधी, गांधी सर वो भी गांधी क्लास का ही है। क्लास का ही है, यस सर। गौरव, गौरव सब तो क्लास से ही है, सर नहीं, हिमांशु प्रज्ञांश, और गौरव राज नहीं है। लेफ्ट हो यस गए सर। हिमांशु और गौरव, गौरव राज इसी बैच से हो क्या यस तुम? सर। तुम इसी बैच से हो क्या? यस सर।
भाई मैं तो पहले आते थे? नहीं यस सर, बीच में छूट गया था क्लास भाई। एक भी क्लास लिया है? हाँ हाँ और सब क्लास ज्वाइन करते हो? ओके और कोई है क्या? सर स्टार्टिंग में लेता था क्लास सर। हिमांशु, ओके हिमांशु अजय में क्या? हिमांशु, हिमांशु माइक ओपन कर लो अपना भाई। खोल माइक। कह रहा है ये न्यू। ओके भाई माइक खोल। ओके कब रिन्यूअल हुआ है आपका? ये क्या स्टूडेंट आईडी कितना है हिमांशु? माइक ओपन करो ना। हाँ भाई स्टूडेंट आईडी बता हिमांशु। हिमांशु हेलो सर, बताया नहीं स्टूडेंट आईडी का? हाँ जी हिमांशु, सर एक और मयंक है। जी मयंक दो है ना, एक मयंक गौतम तुम बोल रहे हो और एक मयंक। मयंक गौतम मैं हूँ और मयंक कोई और है, देख लो सर वो। जी मयंक, हेलो मयंक आईडी बता दे भाई। एटकू ज्वाइन हो रहे हैं न्यू स्टूडेंट्स मतलब? हाँ भाई आईडी बता दे, आईडी बता दो यार। मयंक, मयंक और ये कौन था एक? हिमांशु। हिमांशु नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा फिर। हाँ सर रिमूव कर देना बीच में ना। मयंक आईडी यार, क्लास का टाइम चलो मैं रिमूव कर देता हूँ। हिमांशु 20 और एक मयंक। सर एक बार सुनिए, बतला दिया हाँ सर। लोकेश सर से पूछ लो कोई नया स्टूडेंट हो तो डिटेल्स मंगवा चलो लो मैं उनकी। कंफर्म कर लूंगा ठीक है। चलो रहने दो, आज क्लास की टाइम वेस्ट हो रही है ठीक है। ये क्लियर है ये? चलो तो देखो हमने काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन कर लिया था है ना, बोलो ठीक है। अब हम लोग आज करने वाले हैं एक्सलरेशन इन सर्कुलर मोशन, या उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं रिलेशन, रिलेशन बिटवीन। देखो हमने रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी और लिनियर वेलोसिटी किया था ना, वी इक्वल टू आर ओमेगा या ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर। यस सर बोलो। तो ये था रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड लिनियर वेलोसिटी वी ठीक है। तो कोई पार्टिकल आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो उसका लिनियर वेलोसिटी वी हो जाएगा आर ओमेगा, या अगर हमें वी पता है तो ओमेगा निकाल सकते हैं वी बाई आर। उसी तरह रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लिनियर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की बात करें तो वो जो रिलेशन होता है ए इक्वल टू आर इंटू अल्फा ठीक है, क्लियर है? हेलो बोलो। और ये जो ए रेडियल, ये जो ए होती है ना वो रेडियल होती है ठीक है, और इसको हम ए सेंट्रिपेटल भी बोल सकते हैं आर अल्फा। देखो जो सर्कुलर मोशन होता है ना, सर्कुलर मोशन में वो दो तरह का एक्सेलरेशन हो सकता है
ठीक है, एक तो एक्सलरेशन चाहिए, क्योंकि देखो सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि पार्टिकल का डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है, ठीक है, यानी डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे था वेलोसिटी इधर हो गया, ठीक है, यहाँ पे था तो वेलोसिटी इधर हो गया, यहाँ पे था तो वेलोसिटी इधर हो गया, यहाँ पे था वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। तो वेलोसिटी को चेंज के कौन सा कौन करता है, एक्सलरेशन ना, वेलोसिटी को चेंज कौन करेगा, एक्सलरेशन ना, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल के पास एक कम से कम एक एक्सलरेशन होना ही चाहिए। अगर ये मान लो सेंटर है, इस वेलोसिटी को चेंज करता है सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन, या उसको हम रेडियल एक्सलरेशन बोलते हैं, ये रेडियल और सेंट्रिपिटल, ठीक है, एक्सलरेशन, ठीक है। जब हम रेडियल लिखेंगे तो ए आर से लिखेंगे, ए और ए सी भी रहेगा तो दोनों बराबर ही होता है, रेडियल या सेंट्रिपिटल, सेंट्रिपिटल यानी सेंटर की तरफ, रेडियल भी यानी रेडियस के, रेडियल मतलब देखो रेडियस है ना, तो रेडियली इनवर्ड या रेडियली आउटवर्ड, हम रेडियस के लॉन्ग ही लगता है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ होगा तो ये लगेगा इधर, अगर यहाँ होगा तो ये इधर लगेगा एक्सलरेशन, यहाँ तो ये, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, एक्सलरेशन का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, अभी यहाँ है तो ये डायरेक्शन में है, ऊपर गया तो फिर वर्टिकल हो गया, फिर यहाँ आया तो हॉरिजॉन्टल हो गया, फिर यहाँ आया तो वर्टिकल, अगर यहाँ रहेगा तो वो इस डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है। तो जो रेडियल वेलोसिटी है वो है आर इंटू अल्फा, ठीक है। तो हम लोग ए आर या ए सी इज इक्वल टू आर अल्फा, जहाँ की अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सलरेशन, ठीक है, है कि नहीं, ये याद रहेगा। हेलो जी बोलो। यस सर। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सलरेशन एंड लीनियर एक्सलरेशन। अब देखो हमने ये देखा कि कम से कम सर्कुलर मोशन में एक एक्सलरेशन होना चाहिए, तो कम से कम करने का मतलब क्या है, कि दो भी हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, कि अगर देखो एक तो चाहिए, जो रेडियल एक्सलरेशन का काम किया है वो सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उसको चेंज करता है, ठीक है। तो एक वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड चेंज करने वाला भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें एक्सलरेशन इन सर्कुलर मोशन, एक्सलरेशन इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है, तो एक्सलरेशन इन सर्कुलर मोशन की बात करें तो वहां पे दो तरह का एक्सलरेशन होता है, एक होता है टेंजेंशियल एक्सलरेशन और दूसरा होता है रेडियल एक्सलरेशन, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सलरेशन एक्ट अलोंग टेंजेंट, एक्ट अलोंग टेंजेंट, जैसे कि नाम से ही पता चला है टेंजेंशियल लिखा हुआ, तो एक्ट अलोंग टेंजेंट। तो इसका जो काम है, इट इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड, ठीक है, स्पीड यानी कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसको वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो ऐसा तो नहीं ना कि सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो कांस्टेंट स्पीड से ही मूव करे, है ना, जो है तो कोई बात नहीं है, इसका जो स्पीड का यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो कि स्पीड हम बोलते हैं, स्पीड भी सेम रहेगा, हो सकता है कि यहाँ पे है तो स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आया तो स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आया तो स्पीड कुछ भी हो गया मान लो 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जैसे यहाँ पे बढ़ रहा है तो हो सकता है कि घट रहा भी होगा। बोलो ठीक है। तो इसका जो स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम है वो काम है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का, और इस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को डिफाइन किया गया है जो ए की क्या कर रहा है, वेलोसिटी को चेंज या इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, यानी हम इसको लिख सकते हैं स्पीड को, यानी हम लिख सकते हैं स्पीड जो होगा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ये चेंज कर रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज, या ऐसे भी लिखा रहा हूँ ए टेंजेंशियल इक्वल टू डीवी बाई डीटी, तो ये समझना वी जो है वो स्पीड है, ठीक है, या वेलोसिटी जो है उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ये, ठीक है। तो ए टेंजेंशियल जो हो जाएगा वो डीवी बाई डीटी हो जाएगा, डीवी बाई डीटी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है। तो स्पीड किस रेट से चेंज हो रहा है वो
ठीक है, जैसे कि मान लो 0 सेकंड पे यहाँ था, मान लो 1 सेकंड पे यहाँ आ गया, 2 सेकंड पे यहाँ, 3 सेकंड पे यहाँ। तो देखो 0 सेकंड पे 2 था, 1 सेकंड बाद 5 हो गया, यानी कितना का चेंज हो गया, 3 का ना 1 सेकंड में। ठीक है, फिर देखो अगला 1 सेकंड के बाद फिर 8 हो गया, फिर 3 से इंक्रीज हो गया, फिर देखो अगला फिर 1 सेकंड पे 11 हो गया, यानी फिर 3 से इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ठीक है, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या हो जाएगी, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। क्लियर है, बोलो। यस सर, अभी तो क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर। ठीक है, मैंने ये क्या लिख दिया, एक टेंजेंशियल देखो तो आर अल्फा, ये यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे टेंजेंशियल आती है, ये टेंजेंशियल इज इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, तो ये a इक्वल टू आर अल्फा है ना, तो इसमें टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी। ठीक है, तो चलो a टेंजेंशियल इक्वल टू आर अल्फा, इसको ये जो है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अबे क्या, चलो जो आपने अभी जो मिटाया है, वो जो वाली डोंटेड एक्सीलरेशन आपने अभी लिखी थी, अगर उसमें कौन सी वाली वेलोसिटी थी फिर, कहाँ पे अभी जो मिटाया? हाँ सर, उसमें फिर जैसे आपने कहा कि इसमें टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, तो उस वाले में नहीं, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन देखो बेटा, हाँ वो भी हम करेंगे, सेंटिपिटल भी करेंगे। तो ये जो आर अल्फा जो है ना, वो रिलेटेड है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन से। ठीक है, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और अल्फा में रिलेशन है। ठीक है, ए टी इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, हेलो, ठीक है, तो ए टेंजेंशियल इक्वल टू आर अल्फा। तो एक तो एक टेंजेंशियल डीवी बाई डी टी कब हम करेंगे, जब हमारे पास स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, तो हम इस तरह से टेंजेंशियल निकालेंगे। अगर हमें अल्फा पता हो तो एक टेंजेंशियल को हम लोग आर इंटू अल्फा लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमने पीछे भी लिखा। तो एक टेंजेंशियल का दो तरह से हम लिख सकते हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, ये जब अल्फा पता रहेगा, यानी एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सीलरेशन पता होगा। ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन, तब हम एक टेंजेंशियल को इस तरह से लिखेंगे आर इंटू अल्फा। अगर हमें स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, तो उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वो एक टेंजेंशियल दे देगा। ठीक है, तो ध्यान रखता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो है वो हमेशा टेंजेंट के लॉन्ग लगता है। तो टेंजेंट के लॉन्ग करने का मतलब कि इस तरह से लगेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि अगर मान लो एक सर्कल है अपना इस तरह से। ठीक है, एक सर्कल है, तो जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंट के लॉन्ग ही होती है ना। वेलोसिटी मान लो यहाँ पे इस तरह है। ठीक है, ये है वेलोसिटी। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ना या तो ऐसे लगेगा, वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग ही, एक टेंजेंशियल इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है। तो अगर एक टेंजेंशियल और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी का, सॉरी, एक टेंजेंशियल और स्पीड सेम डायरेक्शन में है, तो स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर एक टेंजेंशियल और स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि टेंजेंशियल स्पीड, या एक तो ये ले लेता हूँ मैं, दूसरा भी बना लेता हूँ मैं। ठीक है, हो सकता है कि वेलोसिटी इधर हो और टेंजेंशियल इधर हो। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन और स्पीड सेम डायरेक्शन में है। और इस केस में क्या होगा, स्पीड डिक्रीज होगा, है ना। हेलो, हेलो, क्लियर है। तो एक जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वो हमेशा अलोंग द टेंजेंट लगेगा। अगर यहाँ पे भी आ जाएगा तो टेंजेंशियल एक इधर लगेगा, अगर यहाँ आ जाएगा तो इधर लगेगा, सेम यहाँ पे भी। ठीक है, समझ गए। तो हमेशा अलोंग द टेंजेंट लगेगा, तो इसका दोनों याद रखना। ठीक है, या तो डीवी बाई डी टी या आर इंटू अल्फा। क्लियर है। दूसरा होता है सेंट्रिफ्यूगल एक्सीलरेशन या रेडियल एक्सीलरेशन। सेंट्रिफ्यूगल एक्सीलरेशन, ठीक है, या
रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है, तो या तो ए आर लिखेंगे हम लोग या ए सी लिखेंगे, ठीक है, या तो ए सी लिखेंगे या तो ए आर लिखेंगे, है ना, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो ये हमेशा जो है ना, इसका काम क्या है, इसका जो काम है, ये इसका काम है एक चेंज द डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि देखो सर्कुलर मोशन में, देखो कोई बॉडी में अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है या नहीं है, ठीक है, अगर नहीं भी है तो वो सर्कुलर मोशन कर लेगा, ठीक है, सेम स्पीड से अपना सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है, हर एक जगह पे क्या होगा, स्पीड सेम रहेगा, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर किसी बॉडी में सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन नहीं है तो वो सर्कुलर मोशन कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डायरेक्शन हमेशा चेंज होता है, हर एक पॉइंट पे क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है, तो उसके लिए सेंट्रिपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन रहना बहुत, ठीक है, तो इसी का काम है चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना। और इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द सेंटर, है ना, ये हमेशा सेंटर के अलोंग लगेगा। अगर हम बात करें, ड्रॉ करें सर्कल एक, ठीक है, कि एक सर्कल है मान लो, ठीक है, इस पे कोई पार्टिकल मान लो वी वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है, तो इस पे जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन लगेगी वो हमेशा, अगर यहाँ पे है पार्टिकल तो ए सी इधर लगेगी, इधर है तो ए सी इधर लगेगी, अगर यहाँ पे आ गया तो ए सी इधर लगेगी, अगर यहाँ आया तो ए सी इधर लगेगी, है ना, बोलो। तो ये हमेशा सेंटर के तरफ लगेगा, और इसका जो वैल्यू होती है ना ए सी, ए सी का वो होती है वी स्क्वायर बाई आर, उस टाइम पे इसका स्पीड कितना है, स्पीड का स्क्वायर बाई रेडियस। अगर हम वी इक्वल टू आर ओमेगा पुट कर दे यहाँ पे, ठीक है, वी इक्वल टू आर ओमेगा, तो ए सी जो आ जाएगी, वी के जगह आर ओमेगा पुट करोगे तो आर ओमेगा का होल स्क्वायर बाई आर, जब स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, तो ये हो जाएगी आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ए सी को हम ओमेगा के टर्म में आर इंटू ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, बोलो। तो ये एक्सेलरेशन फॉर सर्कुलर मोशन फॉर पार्टिकल टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन ठीक है, ए सी इज ऐसा लिख लो, विदाउट ए सी पार्टिकल कैन नॉट परफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, विदाउट ए सी पार्टिकल कैन नॉट परफॉर्म सर्कुलर मोशन, है कि नहीं, तो बिना सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का सर्कुलर मोशन पार्टिकल परफॉर्म कर ही नहीं सकता है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला, अगर वेलोसिटी पता है तो वी स्क्वायर बाई आर, अगर ओमेगा पता है तो ओमेगा स्क्वायर बाई आर, क्योंकि हमें रिलेशन पता है वी और ओमेगा में, ठीक है, क्लियर है ये। और ये हमेशा एक्ट करेगा सेंटर की तरफ, ठीक है, बोलो। यस सर, ठीक है। तो यहाँ से हम एक चीज और लिख सकते हैं कि अगर मान लो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, अगर ए की जीरो हो गया, ठीक है, इफ ए की इज इक्वल टू जीरो, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा ना, बोलो। यस सर, ठीक है, तो अगर ए टी जीरो हो गया तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर ए टी जीरो नहीं हुआ तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म का क्या था, डेफिनेशन था कि स्पीड सेम हो, ठीक है, हर एक पॉइंट पे क्या हो, स्पीड सेम, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म में क्या था, स्पीड चेंज कर रहा हो, ठीक है, तो अगर टेंजेंशियल जीरो हो जाएगा तो स्पीड सेम हो जाएगा, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। तो हमने ये देखा कि पार्टिकल के पास दो तरह का एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक सेंट्रिपिटल और एक
टेंजेंशियल, ठीक है, तो सेंट्रिपिटल तो हमेशा रहेगा, ठीक है, टेंजेंशियल रहे या ना रहे, अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंट्रिपिटल तो रहेगा ही, ठीक है। तो अगर हम टोटल एक्सेलरेशन की बात करें, टोटल एक्सेलरेशन, ठीक है, या नेट एक्सेलरेशन, तो देखो डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो टेंजेंशियल तो ऐसे हो सकता है और सेंट्रिपिटल ऐसे, या टेंजेंशियल नीचे भी हो सकता है कभी, ठीक है, ये नीचे भी हो सकता है और इधर हो जाएगा, ये तो हमेशा सेंटर की तरफ होगा, है कि नहीं, बोलो। अगर मान लो अपना वेलोसिटी ऊपर है, ठीक है, वेलोसिटी ऊपर है और वेलोसिटी यहाँ भी ऊपर है, तो इस केस में क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी, इस केस में स्पीड घटेगी। तो देखो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हर एक केस में क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है ना, बोलो। हेलो, ठीक है, तो ये AC हो गया, ये AC हो गया, तो अभी भी देखो दोनों परपेंडिकुलर है, अगर टेंजेंशियल नीचे है तो AC इधर और ये तो हमेशा सेंटर की तरफ होगा, ठीक है, तो अभी भी देखो ये परपेंडिकुलर है, तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा इस केस में हो जाएगा इधर, ठीक है, ये हो जाएगा इसका नेट एक्सेलरेशन, इस केस में जो हो जाएगा ये हो जाएगा इसका नेट, और इस केस में इसका ये नेट हो जाएगा, ठीक है, तो ए नेट की बात करें, ठीक है, इस केस में इधर आ जाएगा ए नेट, तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है नेट वो क्या होता है, रूट अंडर ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यही होगा ना, बोलो। यस सर, तो नेक इधर ऐसे लिखेंगे ना, रूट अंडर ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और ए टी को हम लिख सकते हैं डी बी बाई डी टी, ठीक है, उसका स्क्वायर प्लस ए सी को लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर, ठीक है, या हम दूसरे तरीका से ऐसे लिखना चाहें ए टी को डी बी बाई डी टी ना लिखे आर अल्फा, ठीक है, का स्क्वायर प्लस मेगा स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है, तो दोनों सही हो सकता है ना, बोलो। मुझे पूछना है किसी को कुछ, अगर हम एंगल लिखना चाहें तो मान लो हम इसका एंगल बताना चाहें, मान लो इससे हम एंगल बताना चाहें इससे, ठीक है, ये थीटा और ये थीटा, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एंगल बताने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू tan इक्वल टू ए सी बाई ए टी ना, बोलो। हेलो हेलो जी, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो आप लोग कुछ? यस क्यों नहीं दे रहा एंजल सिंह, हाथ एंजल्स क्यों क्यों यार, देखो पीछे चले जाते हैं ना वहां पे स्लाइड पे, तो फिर दिख नहीं पाता है कि आप लोग थम्स अप कर रहे हो, ठीक है, इससे अच्छा है कि माइक खोल के बीच बीच में कभी बोल दिया करो, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ओके सर। तो जो टैंकिका हो जाएगी, ठीक है, टैंकिका अगर हम लिखना चाहे तो वो एसी बाई ए की हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने इससे एंगल लिया है, अगर हम इससे एंगल लेते मान लो अल्फा, तो यहाँ से टैन अल्फा को लिख सकते थे, क्या हो जाएगी बोलो, ए की बाई एसी, ठीक है, लेकिन नहीं परपेंडिकुलर वाई बेस होती है ना, जब हम अल्फा लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगी और बेस ये, जब हम थीटा लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगी और बेस ये, ठीक है, तो जिससे भी एंगल पूछे हम लोग बतला सकते हैं, और जो फॉर्मूला होगा नेट एक्सेलरेशन का ये, ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना फॉर इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट ना, तो स्पीड कांस्टेंट यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी बोलो, जीरो ना,
ठीक है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगी क्योंकि एक्सीलरेशन जो होती है ए टेंजेंशियल डी वी बाई डी टी, तो स्पीड यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, तो कोई भी कॉन्स्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जीरो आएगी ना, है कि नहीं, बोलो। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ए टेंजेंशियल जीरो और ए जो सेंट्रिपिटल या ए रेडियल हम बोलते हैं वो हो जाएगा बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, और स्पीड हमेशा कॉन्स्टेंट है तो बी स्क्वायर बाई आर भी क्या आ जाएगी, कॉन्स्टेंट आ जाएगी, है ना, बोलो, क्योंकि बी तो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है ना, और आर भी चेंज नहीं हो रहा, रेडियस भी कॉन्स्टेंट है, तो ठीक है ए सी क्या हो जाएगी, ये कॉन्स्टेंट हो जाएगी। ठीक है, कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो और देखो मैग्नीट्यूड में कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है, डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है, यानी ए सी और ए सी या ए आर वो कॉन्स्टेंट नहीं है, क्योंकि जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। अभी देखो यहाँ पे ऐसे है, फिर ये ऐसे हो जाएगा, कुछ टाइम बाद ऐसे हो जाएगा, कुछ टाइम बाद ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यानी डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, बोलो। यस सर। ठीक है, बट डायरेक्शन चेंज, तो ये हो गया है यूनिफॉर्म का केस। ठीक है, फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, स्पीड चेंज होती है। ठीक है, तो स्पीड यानी वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड चेंज, ठीक है, चेंजेस। ठीक है, तो ये चेंज हो गई, तो चेंज होने से टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ जाएगी और ए टी जो हो जाएगी वो डी वी बाई डी टी हो जाएगी। ठीक है, और ए सी और या ए आर जो हो जाएगी वो वी स्क्वायर बाई आर। तो देखो भी क्या है, भी टाइम के साथ चेंज हो रही है ना, ठीक है, भी क्या है, टाइम के साथ चेंज हो रही है ना भी, क्योंकि यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो भी चेंज हो रही है, तो ए सी या ए आर का जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज होगा, और डायरेक्शन तो चेंज होता ही है। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंज। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे बेटा, नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या होता है ना, नॉन यूनिफॉर्म के केस में स्पीड चेंज होती रहती है। ठीक है, तो स्पीड चेंज होगी, तो स्पीड को चेंज करने के लिए तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ही चाहिए ना, तो ए टी जीरो नहीं होगी उसमें, और ए टी का जो वैल्यू आ जाएगी वो डीबी बाई डी टी आ जाएगी। ठीक है, ए टी का जो वैल्यू आ जाएगा डीबी बाई डी टी, इसमें क्या हो रहा था, स्पीड कॉन्स्टेंट था, स्पीड चेंज ही नहीं हो रही थी, तो डीबी बाई डी टी जीरो आ जाएगी, क्योंकि स्पीड भी क्या है, स्पीड ही है ना, तो अगर भी कॉन्स्टेंट है तो डीबी बाई डी टी जीरो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम कोई भी कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो जीरो आ जाती है। नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या हो रहा था, भी जो है वो चेंज हो रही है, यानी कि कॉन्स्टेंट नहीं है, वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो टाइम के साथ चेंज हो रही है तो एक्सीलरेशन होगा ही टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ही स्पीड चेंज करती है, और वो एक टेंजेंशियल होगा डीबी बाई डी टी। ठीक है, और इस केस में जो रेडियल एक्सीलरेशन होगा या सेंट्रिपिटल जिसको हम बोलते हैं वो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, और हर एक पॉइंट टू पॉइंट क्या हो रहा है, भी चेंज हो रहा है। ठीक है, भी चेंज हो रहा है, तो ए सी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, यहाँ पे क्या था, भी चेंज नहीं हो रहा था। ठीक है, भी कॉन्स्टेंट था। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था कि इसका मैग्नीट्यूड भी कॉन्स्टेंट हो गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ए नेट की बात करें तो ए नेट जो हो जाएगी वो ए सी के बराबर ही आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही एक्सीलरेशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों है, तो ए नेट जो है वो रूट अंडर ए टी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, इस केस में क्या हो गया था, ए टी जीरो हो गया था ना, तो ए सी का स्क्वायर आ गया था, तो ए सी का स्क्वायर का रूप ले लेंगे तो ए सी ही आएगी ना। क्लियर है सभी को ये? यस सर।
ध्यान से देखना, एग्जाम्पल है, ठीक है। एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है सच गए, उसका जो एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन दिया हुआ है वो इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, ए सिर्फ देखो, जब भी सिर्फ ए लिखा हो ना तो समझना ए नेट लिखा होगा, ठीक है। जब उसको रेडियल लिखना होगा, टेंजेंशियल लिखना होगा, तो वो बोल देगा कि वो रेडियल है और टेंजेंशियल है। सिर्फ एक्सलरेशन लिखा हो ना, पार्टिकल मूविंग विथ एक्सलरेशन इतना, ठीक है, तो समझ जाना कि वो नेट एक्सलरेशन है, ठीक है। तो ए नेट का जो वैल्यू दिया हुआ है वो मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, ठीक है। और इससे जो एंगल दिया हुआ है वो मान लो 53 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो फाइंड 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 ए सी एंड ए टी, ठीक है। कोई सर न्यू न्यू नाम से बच्चे आ रहे हैं तो ज्वाइन करूं या ना करूं? सर किस नाम से है? मीनू कुमारी, मतलब अलग अलग नाम से न्यू न्यू नाम से आ रहे हैं न्यू स्टूडेंट। सर आप एक बार पूछ नहीं, लो उनसे। अच्छा रहने दो, अभी नहीं ज्वाइन करो अभी, ठीक है। वैसे भी टाइम बहुत ज्यादा ओके हो गया, ठीक है, रहने दो। सर। हाँ जी, आया किसी का? हेलो, क्या कर रहे? यार कुछ नहीं करना, इसका कंपोनेंट ले लेना है। ये नेक है ना, तो इसका एक कंपोनेंट सेंटर के लॉन्ग आएगा, ठीक है, रेडियल डायरेक्शन में, और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा। एक डायरेक्शन में जो आएगा वो एसी कहलाएगा, और इसका एक कंपोनेंट ए इंटू कॉस 53 आ जाएगी, ठीक है। और ए टी जो आ जाएगी वो आ जाएगी इसका इधर वाला कंपोनेंट ए इंटू साइन 53, है कि नहीं? और वैल्यू पुट कर दो, तो ए का वैल्यू है 10 cos 53 3/5, और ए का वैल्यू है 10 और sin 53 4/5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 m/s² और ये आ जाएगा 1 m/s² है ना। अरे क्लियर है सभी को? हाँ जी, सर बोलो। ठीक, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल, मूव्स इन अ सर्कल, सर्कल ऑफ रेडियस 5 m, सच दैट इट स्पीड चेंजेज एज एज वी इज इक्वल टू t² + 2 × t, ठीक है। फाइंड इट्स एक्सलरेशन एट t = 2 s, ये भी ले लो, रेडियस 4 m है। तो एक्सलरेशन सिर्फ बोला, यानी हमें ए नेट चाहिए। तो ए नेट निकालने के लिए हमें सबसे पहले ए सी निकालना पड़ेगा, फिर ए टी, तब ना ए नेट निकालेंगे। बोलो, सिर्फ एक्सलरेशन बोला ना, फाइंड इट्स एक्सलरेशन। यस सर।
कैसे करेंगे, कोई समझा सकते हो? जी सर हम पहले 8 क्योंकि हमें सर टाइम के फंक्शन में वेलोसिटी दी हुई है, तो डीवी अपॉन में डीटी करके निकालेंगे, और टाइम हमें 2 सेकंड चीज, दिया वो हुआ तो है। एटी आएगी ना, ये सर वो 80 एटी निकाल आएगी ना लेंगे हम वो, यहाँ से। ये ठीक है। सर और एटी और एसी एसी कैसे के निकालेंगे? रिलेशन से सिर्फ एसी निकाल, सर एटी और एसी के रिलेशन से हम एटी निकाल लेंगे ना। और एसी में क्या रिलेशन है, क्या बताओ तो? एटी और एसी में क्या रिलेशन है, ये मैंने कहीं लिखाया है आपने? नो सर ये नहीं तो है। मैंने लिखवाया है, ठीक है। हमने तो ये लिखाया था कि एटी इक्वल टू डीवी बाई एटी, तो तुम तो बोल रहे हैं कि एटी तो निकालोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे और जो भी टाइम आएगा वो पुट करोगे तो एटी आ जाएगा। और हमें एसी चाहिए तो इसके लिए तो वी स्क्वायर बाई आर चाहिए, ठीक है। तो देखो हमें तब पूछा है 2 सेकेंड पे ना, तो यहाँ पे 2 सेकेंड पुट करके ना, दो रेडियस सेकेंड हमें पे पता कितना और वेलोसिटी वेलोसिटी है, हमें दिया हुआ है। सर वेलोसिटी देखो, तो वेलोसिटी हमें एसी 2 सेकंड पे पूछा ना, तो टी इक्वल टू 2 सेकंड इसमें पुट करोगे ना तो वहां का स्पीड आ जाएगा, समझ गए? बोलो। तो मैं करता हूँ, दोबारा बता दो। देखो पहले तो सबसे पहले हम एक ही निकाल देते हैं, एक ही जो आ जाएगी वो आएगी डीवी बाई डीटी, और हमें डी भी का वैल्यू दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस 2t अपॉन डीटी। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी स्क्वायर का 2t और इसका 2 है ना, तो एक ही का वैल्यू आ जाएगा 2t प्लस 2। हमें चाहिए कि इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो यहाँ पे 2 सेकेंड पुट कर दो तो एक ही जो आ जाएगी 2 इंटू 2 प्लस 2 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 6 मीटर है ना, ठीक है। एक ही आ गई ना 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें एसी चाहिए, तो एसी के लिए देखो, एसी के लिए हमें चाहिए वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। हमें पूछा है टाइम 2 सेकेंड पे, तो 2 सेकेंड की वेलोसिटी उसका क्या होगी वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी हमें पता है टी स्क्वायर प्लस 2 की है, तो 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी बोलो, सर 8 मीटर पर सेकेंड। ना? ठीक है, तो ये 8 का स्क्वायर बाई रेडियस 4, ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? बोलो जी। और ए नेट जो आ जाएगी वो आ जाएगी रूट अंडर AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर 16 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, स्क्वायर करके सॉल्व करो, जो भी आएगी वो आंसर आ जाएगी। बोलो। क्लियर है? यस। देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये 2 सेकेंड के लिए हमने दोनों सर कैलकुलेट कर लिया, कोई भी टाइम पूछे तो हम लोग। हाँ सर आपका ऑडियो बोल लैग जाओ। कर रहा है। जी सभी को कर रहा है क्या? सर हेलो। क्लियर आ रही है। यस बहुत क्लियर क्लियर आ रहा है मयंक, नेहा, किसको लैग कर रही थी, किसने बोला? सर नेहा वैष्णवी? सर लैग नहीं हो रही, सर लैग हो रहा है थोड़ा थोड़ा अब भी। चलो क्लियर है सभी को पिछला क्वेश्चन? हाँ जी सभी को क्लियर था पिछला? चलो आप लोग थम्सअप करते हो, पीछे दिखता नहीं है। सॉरी यस चलो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, पढ़ के सॉल्व करो।
हेलो तो देखो पार्टिकल मूव्स इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 0.5 मीटर एट ए स्पीड दैट इंक्रीज यूनिफॉर्मली, स्पीड इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो उसका हमें एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या था अल्फा ना? सर 1 रेडियन पर सेकंड। सर 1 रेडियन देख लेता हूँ। तो अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? हमने ए इक्वल टू आर अल्फा लिखा था ना, ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू आर अल्फा। यहाँ से अल्फा जो आ जाएगी ए टी बाई आर आ जाएगी ना, बोलो। यस सर। और ए टी हम कैसे निकालेंगे? देखो ए टी जो होगी वो डीवी बाई डीटी, ठीक है। तो डीवी का कितना चेंज हो रहा है? 4 से 2 हो रहा है, यानी 4 माइनस 2 कितने टाइम में? 4 सेकंड में ना। ठीक है, तो वैल्यू रख दो आप। अल्फा जो आ जाएगी ए की 1/2 और आर जो है 0.5 है, यानी 1/2 ही है ये भी। सर 2 से 2 कट जाएगा। यस सर। ठीक है, इसी का आया था ये। yes, किसने बोला था? आ गया था। ठीक है, ऐसे ही किए थे, ऐसे ही किए थे। हाँ सर। चलो बहुत अच्छा। चलो एक और लिखता हूँ। लिखना क्वेश्चन, सर इस क्वेश्चन का एक बार मतलब भी समझा दे। बतला देता हूँ। देखो ये बोला है ना कि एक बॉडी है मास 2 kg का, ठीक है। इसको एक धागा से, रस्सी से, ठीक है, बांध कर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, मान लो एक टेबल पे रखा हुआ है और इसको ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा है सतह में, ठीक है। ऐसा किए होगे ना आप लोग, ऐसे ऐसे, ठीक है, धागा से बांध लिया और ऐसे ऐसे घुमा रहे, बोलो, ठीक है। तो ये जो मास है 2 kg का, ये तो सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, ठीक है। तो और ये सर्कुलर, ये जो लेंथ है ये 3 मीटर, यानी इसका रेडियस हो जाएगा 3 मीटर, है ना, ठीक है। और इसमें बोला है कि ये जो घूम रहा है ना 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में 60 रिवॉल्यूशन। तो फाइंड ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल रहा है। ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ। हाँ रेस्ट से स्टार्ट हुआ।
पहले तो ये जो 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट है ना, यानी एक मिनट या हम इसको बोल सकते हैं 1 मिनट या 60 सेकंड में, ठीक है, 1 मिनट यानी 60 सेकंड में ये कितना घूम रहा है, 60 रिवॉल्यूशन, यानी एंगल कितना घूम रहा होगा, ये 60 × 2π ना, एक चक्कर में 2π, ठीक है, तो ऐसा 60 चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो 2π/60, यानी इसका जो ये जो हो जाएगा इसका कितना जाएगा, 60 सेकंड में 60 × 2π, तो 1 सेकंड में 2π रेडियन ना, बोलो बोलो। हेलो, तो ये जो 2π रेडियन है ना, यही इसका ओमेगा है। ओमेगा क्या बताता है कि ओमेगा, ओमेगा का यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड ना, ठीक है, तो यही जो ओमेगा हो जाएगी 2π रेडियन पर सेकंड, ठीक है, एक सेकंड में जितना घूमेगा ना वही ओमेगा हो जाती है ना। यस बोलो, चलो सॉल्व करो। तो एन अगर आरपीएम में दिया होगा, क्या बेटा देखो, 12 पर ये क्या आ जाएगा, देखो ओमेगा 2π ना, तो एसी जो होती है v²/r या ω² × r, ठीक है, तो ओमेगा का वैल्यू 2π² × r, रेडियस 3 मीटर है ना, ठीक है, सॉरी 12π² बोलो। यस सर, करेक्ट। तो देखो अगर हमें ऐसा दिया हुआ कि n रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है, तो n रिवॉल्यूशन पर यानी 60 सेकेंड में n रिवॉल्यूशन यानी n × 2π रेडियन, ठीक है, तो पर सेकेंड 1 सेकेंड में हो जाएगा 2π × n/60 रिवॉल्यूशन, तो इसका ओमेगा हो जाएगा 2π n/60, ठीक है, तो जब भी तुम्हें n रिवॉल्यूशन दिया हुआ है, मान लो कि अभी तो यहाँ 60 दिया था तो हमने कैलकुलेट कर दिया, मान लो कि 120 रिवॉल्यूशन दे देगा, 400 रिवॉल्यूशन दे देगा, ठीक है, तो रिवॉल्यूशन को तुम, ठीक है, आरपीएम को ओमेगा में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, एन जो है वो आरपीएम है, ठीक है, तो आरपीएम को ओमेगा में हम लोग ये वाला भी कर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन एक फाइंड करनी है, यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड एसी, तो फाइंड एसी लिखा है, ठीक है, ठीक है, फाइंड एसी, ठीक है, क्वेश्चन में तो पूरा लिखा रहेगा सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ठीक है, तो ये है, और कभी कभी क्या देगा, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड ही दे देगा, ये है एन रिवॉल्यूशन पर मिनट यानी आरपीएम, ठीक है, आरपीएम भी लिखा जा सकता है, ठीक है, आरपीएम, कभी कभी होगा एन रिवॉल्यूशन पर सेकेंड दे देगा, ठीक है, इसको हम आरपीएस बोल सकते हैं, ठीक है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है ना, तो इसको अगर ओमेगा में चेंज करना हो, इसको अगर ओमेगा में चेंज करना हो तो पर सेकेंड यानी एक सेकेंड में जो चलेगा वही तो ओमेगा हो जाएगा ना, n × 2π, तो यही ओमेगा हो गया ना, तो ये ओमेगा जो हो जाएगी 2π n हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे जब n rps हो तो ओमेगा 2π n, अगर ओमेगा n rpm में हो रिवॉल्यूशन पर मिनट तो ओमेगा 2π n/60 से डिवाइड करना पड़ेगा उसके समय, तो ये याद रखना, याद रहेगा ना, तो तुम जल्दी से कैलकुलेट कर लोगे ओमेगा जब आरपीएम या आरपीएस दिया रहेगा, तो ठीक है। यस सर। चलो तो अब देखो
एक बात बताओ, हम यहीं से चले जाते हैं डायनेमिक्स पे, कि तुम बोलोगे कि ये सर्कल मोशन, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो ये जब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसको एक सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन चाहिए एसी, तो ये सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है, सोच लो आप लोग। स्ट्रिंग का टेंशन, ठीक है। तो देखो हमने ये पढ़ा कि सर्कुलर मोशन के लिए कम से कम एक तो चाहिए एक्सेलरेशन, ठीक है, जो एसी सर्कुलर मोशन के लिए एसी तो नेसेसरी है, ठीक है, तो ये एसी प्रोवाइड कौन करेगा। तो देखो एसी प्रोवाइड करने के लिए क्या होगा कि हमेशा सेंटर में की तरफ एक फोर्स चाहिए, तो हर एक सिचुएशन में क्या है एसी को प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग फोर्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हम मान लो कि स्ट्रिंग से स्थिति, मान लो ये सेंकर है, यहाँ से एक धागा बांध के एक बॉल को मान लो घुमा रहे हैं, तो उस केस में जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है वो कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, टेंशन, ठीक है, अगर ये वी वेलोसिटी से ऐसे घूम रहा है ना सर्कल में, ठीक है, वी वेलोसिटी से, तो यहाँ पे जो इसको एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन, और यही टेंशन जो है वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर इसका मास एम है तो मास एम इंटू ए सेंट्रिपिटल है ना, बोलो जी। यस सर, सर एक बार दोबारा समझा दो। सर ये टी तो हमने ये देखा है ना, हाँ ये देखो हमने क्या बोला कि एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन चाहिए, तो ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करता है, फोर्स से आता है ना एक्सेलरेशन, यस सर, ठीक है, तो इसके लिए एक क्या चाहिए सेंट्रिपिटल, ये जो एसी है इसके लिए हमें क्या चाहिए, सेंट्रिपिटल फोर्स ना, यस सर, फोर्स चाहिए ना, ठीक है, इसके लिए, ठीक है, तो ये सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए, तो ये सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, तो हर एक केस में जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो अलग अलग चीजें प्रोवाइड करेगी, अलग अलग फोर्स प्रोवाइड करेगी, तो इसी फोर्स के कारण आता है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, और ये फोर्स हमेशा अलोंग द सेंटर लगेगा या टुवर्ड सेंटर लिख दे, ठीक है, तुम रस्सी को घुमाओगे ना तो रस्सी का टेंशन हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा, है ना, ठीक है, तो ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है एफ सी जिसको हम बोलेंगे, और वही एफ सी जो है वो मास इंटू ए सी प्रोवाइड करता है ना, उसी हम सेंट्रिपिटल फोर्स को एफ सी को मास इंटू ए सी यानी बी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं, या एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हैं, ए सी क्या होता है बी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर बाई आर, तो यहाँ पे जो है इस केस में अगर हम रस्सी के केस में बात करें तो इसमें जो है वो सेंट्रिपिटल फोर्स टेंशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो हम एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी के जगह, एफ सी के जगह टेंशन लिख सकते हैं, तो टेंशन हो जाएगा एम जी सी स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर, है ना, या एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, कुछ भी लिख सकते हैं ना, ये इस केस में वो प्रोवाइड कर रहा है। अगर यहाँ पे डेप्थ वाल देखे हो, मान लो एक वाल है, ठीक है, ये सर्कस वगैरह में देखते होगे, ये घूमते रहता है, मान लो ये, ठीक है, ये घूम रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो, यस सर, यहाँ पे मान लो कार वगैरह चल रही है, कोई इंसान यहाँ पे लटका रहता है, ये गिरता नहीं है, इस केस में ये इसके कॉन्टेक्ट में रहता है, ठीक है, ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, तो इसको जो है यहाँ पे नॉर्मल प्रोवाइड कर रहा था सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, जो एफ सी जो होगा वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, नॉर्मल नॉर्मल, ठीक है, और ये जो नॉर्मल हो जाएगी वो एम बी स्क्वायर वाई आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर। मान लो एक कार है जो कि मान लो ये कर्व सरफेस में यानी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है, एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे कार को, ठीक है, कार को कौन प्रोवाइड करता है, साइकिल, ठीक है, ठीक है, ये साइकिल को, तो साइकिल को कौन प्रोवाइड करेगा सेंट्रिपिटल फोर्स, ये कार, ये देखो मान लो ये आर सर्कल में घूम रहा है ना, तो इसको प्रोवाइड करता है फ्रिक्शन फोर्स,
ठीक है, तो इधर एक, हाँ फ्रिक्शन, ठीक है, इसको फ्रिक्शन प्रोवाइड कराता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक मान लो हमने क्या किया, एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक को बांध कर घुमा रहे हैं मान लो ऐसे, ठीक है, सर्कल में, ठीक है, इस तरह से सर्कल में, तो यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स, सर स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। हाँ बेटा सर, फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन तो ऑपोजिट होती है ना, सेंट्रीपिटल तो परपेंडिकुलर होता है। नहीं देखो फ्रिक्शन का मैं बोल रहा हूँ ना, फ्रिक्शन का दो कंपोनेंट आएगा इसमें, ठीक है, फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा ना कुछ ऐसा होगा कि एक कंपोनेंट किधर रहेगा और एक कंपोनेंट हो सकता है अपोजिट है, ठीक है, तो एक कंपोनेंट स्पीड चेंज करेगा, एक कंपोनेंट डायरेक्शन चेंज करेगा। तो मैंने बताया ना कि फ्रिक्शन जो है सेल्फ एडजस्टेबल है, यस सर, ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्प्रिंग फोर्स है वो प्रोवाइड कर रहा है। अगर यहाँ पे इसमें एक्स एक्सटेंशन है तो यहाँ पे फोर्स जो स्प्रिंग लगेगा, स्प्रिंग फोर्स एफ स्प्रिंग के एक्स लगेगा, और यही के एक्स, ठीक है, ये स्प्रिंग फोर्स एम बी स्क्वायर बाई आर होगा, अगर वी वेलोसिटी से घूम रहा है तो ये के एक्स इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो देखो हर एक केस में अगर यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे टेंशन वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, यहाँ पे इसमें हमने देखा तो नॉर्मल कर रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन कर रहा है, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कर रहा है, तो हर एक केस में हर एक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करता है। अगर हम अर्थ सन की बात करें, सन के अराउंड सभी जो प्लैनेट है वो घूम रहा है, ठीक है, मान लो हम अर्थ ले लेते हैं, ठीक है, तो अर्थ भी जो है वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा होता है, ठीक है, इलिप्टिकल होता है लेकिन हम सर्कुलर मानते ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वो एक तरह से कर्व ही है ना। इस केस में जो है ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एफ जी हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स देखो यहाँ पे होगा इधर, ठीक है, तो जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर लगता है, मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर, ठीक है। सर बेसिक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो हर एक मैटर के पास होती है क्या? हाँ, जिसके पास मास हो ना, दो बॉडी अगर दो मासेस है ना तो दोनों के बीच लगेगा, मास पे डिपेंड करता है वो, सिर्फ मास और डिस्टेंस पे, ठीक है। यस जी, यस सर, तो ये क्लियर हो गया ना? हाँ बोलो कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन चाहिए और उसको प्रोवाइड कौन कौन करता है, ठीक है, तो हर एक सिचुएशन में अलग अलग फोर्स है जो कि प्रोवाइड करती है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, चीजों को डायनेमिक सर्कुलर मोशन कहते हैं, क्या बोलना है सर? हाँ यही डायनेमिक, डायनेमिक्स का मतलब क्या है, डायनेमिक्स का मतलब क्या मतलब है कि जो एक्सेलरेशन हमने पढ़ा, ठीक है, वो कैसे आया ये, है ना, काइनेमेटिक्स में हमने क्या पढ़ा। हाँ सर, अर्थ की जो मूवमेंट होती है उसमें सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह क्या होती है? वो घूमता है सर्कुलर मोशन में। हाँ तो सर उसकी वो सेंट्रीपेटल फोर्स का वो क्या होता है रीजन? जी ग्रेविटेशन नाइन्थ में नहीं पढ़े थे यार, जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सन बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, बोलो। ओके सर, चलो क्वेश्चन लिखो। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज टाइड टू अ स्ट्रिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 meter, ठीक है, द आउटर एंड ऑफ द आउटर सॉरी अदर है, ठीक है, 1 inch 2 kg ब्लॉक ऑफ मास टाइड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 meter, द अदर एंड ऑफ ए स्ट्रिंग इज फिक्स्ड, द ब्लॉक ब्लॉक मूव्स ऑन
on horizontal surface with speed 5 meter per second. Find tension in string. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये सॉल्व करो आप लोग, उसके बाद दूसरा लिखना। सर 25 नहीं होता, 25 आ गया। तो देखो ये क्या बोला है कि एक रस्सी है, ठीक है, इसका एक इंच पे 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है, मान लो एक केबल है, ठीक है, एक मान लो केबल। अजी किसी को कुछ बोलना है? ये मान लो एक केबल है इस तरह का, ठीक है, और इस केबल पे क्या है, ठीक है, इस केबल पे क्या है, हमने क्या किया, एक ब्लॉक यहाँ पे दूसरे एक इंच को फिक्स कर दिया, और ये रस्सी जो है वो 2 मीटर की है, ठीक है, और एक ब्लॉक को बांध दिया, और ये जो है इस पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, स्पीड जो है इसका 5 मीटर पर सेकेंड है। तो हमें टेंशन पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पे स्मूथ सरफेस है, ठीक है, ठीक है, सर वो एक्सेलरेशन है, नहीं ये 5 मीटर पर सेकेंड है ना, स्पीड है ना सर, नीचे वाले में नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है ना, किस इसी में बात कर रहा हूँ ना, ये नहीं, ये क्वेश्चन यही मैं सॉल्व कर रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन नहीं लिखा भी, यही है ना, देखो ये ब्लॉक ऑफ मास 2 kg टाइप, ठीक है, 2 kg का ब्लॉक है, वो एक रस्सी 2 मीटर लेंथ पे रस्सी से बांध दिया गया है, ठीक है, और ये रस्सी है 5 मीटर पर सेकेंड से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो हमसे इसमें टेंशन पूछा है, रस्सी में कितना टेंशन होगा, तो देखो टेंशन ही इसको सर्कुलर मोशन करवा रहा है ना, लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि हमें भी पा मालूम है, बोलो टेंशन ही इसको सर्कुलर मोशन, तो टेंशन इक्वल टू एम बी स्क्वायर, तो यहाँ से टेंशन आ जाएगी, मास का वैल्यू है 2 kg और भी 5 का स्क्वायर, और आर कितना दिया हुआ है 25 न्यूटन। एक मान लो मेरे पास स्प्रिंग था, ठीक है, एक स्प्रिंग था, ठीक है, और उस स्प्रिंग को हमने एक ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 1 इंच फिक्स है, ठीक है, मैं कहता हूँ स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ठीक है, और इस ब्लॉक का मास m है, ठीक है, और यहाँ पे ये v वैल्यू से, ये देखो नहीं, इसको ओमेगा ले लेते हैं इसमें, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मान लो एक केबल पे ही रखा हुआ था, और ये इस तरह से घूम रहा है, ठीक है, ओमेगा से, तो फाइंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, ये अभी घूम रहा है, ठीक है, और इसका अभी अभी का जो लेंथ है ना, वो टोटल लेंथ अभी जो जब एक्सटेंड हो गया है, तो मान लो जो लेंथ है अभी, ठीक है, अभी एल ही लेते हैं, ये जो एल है ना वो नेचुरल लेंथ है इसका, ठीक है, जब ये इलोंगेट नहीं हुआ था तब का लेंथ है स्प्रिंग का, ठीक है, एल जो है लेंथ ऑफ स्प्रिंग है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग बिफोर इलोंगेशन, ठीक है, अब तो क्या होगा, जैसे ही सर्कुलर मोशन में करवाएंगे तो ये थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा ना, ठीक है, तो मान लो कि ये एक्स से एक्सटेंड हुआ, ठीक है, मान लो कि ये एक्स से एक्सटेंड हुआ, तो इसका जो अब जो नया लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा एल प्लस एक्स ना, ठीक है, और हमें एक्स चाहिए ना, तो अब ये जो रेडियस में मूव कर रहा होगा एल प्लस एक्स होगा, तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन एक्स हुआ, तो जो फोर्स ऑफ स्प्रिंग होगा वही एम ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर इंटू आर प्रोवाइड कर रहा है, तो स्प्रिंग का फोर्स हम होगा के इंटू जो एक्सटेंशन हुआ एक्स, और एम ओमेगा स्क्वायर
आर में जो आएगा वो एल प्लस एक्स आएगा, है ना। हमें एक्स चाहिए, ठीक है, तो एक्स को एक तरफ लाओ तो ये आ जाएगा के एक्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल। तो यहाँ से एक्स कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल। तो यहाँ से जो एक्स आ गया वो आ गया एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है सर? एक और बार समझा। देखो इसमें क्या था ना कि स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ पे था, मान लो घुमाने से पहले, ठीक है, घुमाने से पहले इसका लेंथ एल था, ठीक है, इसका जो लेंथ था वो एल था, ठीक है, जैसे ही घुमाएंगे, ठीक है, घुमाना शुरू करेंगे तो क्या होगा, ये स्प्रिंग एक्सटेंड होगा ना, ये दूर भागेगा ना, रस्सी तो क्या था, रस्सी तो एक्सटेंड नहीं हो सकता था, तो रस्सी टेंशन वहीं से देना शुरू कर दिया, ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, जैसे ही थोड़ा सा एक्सटेंड होगा उसके बाद फोर्स लगाना शुरू होगा ना, स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ पे रहता है तब तो स्प्रिंग फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक है, तो जैसे ये थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ, ठीक है, मान लो कि एक्स एक्सटेंड हुआ तो अब इसका लेंथ हो गया एल प्लस एक्स। बोलो जी सर, बोलो कोई। यस सर। तो एल प्लस एक्स हो गया, ठीक है, तो जो स्प्रिंग का फोर्स लगेगा, तो स्प्रिंग का फोर्स होगा वो के इंटू एक्स होगा ना, के इंटू जो उसमें एक्सटेंशन होगा, ठीक है, तो के इंटू एक्स स्प्रिंग फोर्स आ गया, और एम ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा गिवेन है, ठीक है, ओमेगा गिवेन था इसमें, ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, रेडियस देखो जो ये सर्कल में घूमेगा वो रेडियस एल प्लस एक्स हो जाएगा ना, ठीक है, तो इसको जब सॉल्व कर रहे हैं m ओमेगा स्क्वायर r के लिए, यार फोर्स देखो ना m b स्क्वायर बाय r, m b स्क्वायर बाय r, v स्क्वायर बाय r ही तो एक्सेलरेशन है ना यार, ये c क्या है, v स्क्वायर बाय r, तो f c क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ए सी, तो मास इनटू v स्क्वायर बाय r, और हम ओमेगा के टर्म में लिखे v इक्वल टू आर ओमेगा, तो v के जगह आर ओमेगा पुट करोगे तो ये एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। ये तो हमने कितना बार लिख लिया, तुम अभी पूछ रहे हो सर, एक बार स्लाइड आगे। ठीक है यस सर, आ गया। चलो ठीक है, चलो तो आज के लिए, हाँ आज कर देते हैं, ठीक है, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है। थैंक यू सर। ओके, तो इसके अच्छे से रिवीजन कर लेना, ठीक है, डायनेमिक्स में भी और चलेगा, ठीक है, अभी सर्कुलर मोशन आप लोग का कल है क्लास, फिर बाय। यस ठीक है, ठीक है, तो अभी एक से दो लेक्चर और चलेंगे, ठीक है, ओके, कल नहीं है ना क्लास? यस सर। कल कल है क्लास? अच्छा हाँ। यस सर। ठीक है, तो बाय एवरीवन, गुड नाइट, बाय सर, बाय।